हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं लौकी के कोफ्ते, जो कि बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, जिसे आप डिनर में या फिर लंच में खा सकते हैं। तो अगर आज की ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं अगर उन्हें अच्छा लगे तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर हम आज की ये रेसिपी लौकी के कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लौकी लिया है, मैंने आधा टुकड़ा लौकी लिया है जिसे मैंने दो छोटे छोटे पार्ट में कर लिया है। इसे मैंने छील के अच्छे से धो लिया है। ये देखिए, मैं छोटा लौकी यूज कर रही हूँ जिसमें सीड ज़्यादा नहीं है, और उसके साथ मैंने एक बड़ा साइज का प्याज चॉप किया है, 10 से 12 लहसुन चॉप किया है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा चॉप कर लिया है, और उसके साथ मैंने 2 टमाटर मैंने मीडियम साइज का चॉप किया है, और 1 कटोरी बेसन लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और मसालों में मैंने गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा लिया है और हल्दी पाउडर लिया है। तो फिर चलिए हम सबसे पहले इस लौकी को हम ग्रेट करेंगे। तो मैंने ग्रेटर लिया है, उसमें हम लौकी का आउटसाइड जो है, आउट वाला पार्ट, बाहर वाला हम उसे ग्रेट करेंगे। हम इसे अच्छे से ऐसे ग्रेट कर लेते हैं। हमें इसका सीड या फिर अंदर वाला पार्ट नहीं ग्रेट करना है, उसका यूज हमें नहीं करना है। इसे हमें अच्छे से ऐसे ही सारा लौकी ग्रेट कर लेना है। तो ये देखिए, हमारा दोनों लौकी ग्रेट हो गया है अच्छे से। तो हम इस लौकी से अब जो एक्सेस वाटर होता है, इसमें वाटर कंटेंट, हम उसे निकाल लेते हैं ऐसे ही प्रेस करके। हम इसी तरह से सारे लौकी का जो जूस है निकाल लेते हैं। आप ये जो जूस है इसे आप नॉर्मली पी सकते हैं या फिर इसे सब्जी में डाल सकते हैं। इसे बिल्कुल मत फेंकिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा फाइबर, विटामिन, प्रोटीन होता है। तो हमने सारा लौकी जो है स्क्वीज कर लिया है। तो अब हम इसे ऐसे ही पूरा मिक्स कर लेते हैं। तो इसमें अब हम इसका बाइंडिंग रेडी करते हैं। तो इसमें हम 1.5 टेबल स्पून में यहाँ पे मैदा ऐड कर रही हूँ। हम ज़्यादा मैदा नहीं लेते हैं, और यहाँ पर हम चना दाल का जो आटा है, या फिर आप बेसन बोल सकते हैं, बेसन, यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून बेसन लिया है, 1/2 या फिर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, और मैंने थोड़ा गरम मसाला इसमें डाला है, और उसके साथ मैंने यहाँ पे प्याज डाला है थोड़ा चॉप किया हुआ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगे तो डालिए, इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है जो कोफ्ते के पकौड़े हैं। इन्हें हम अच्छे से मैश कर लेते हैं और इसका एक बाइंड बनाते हैं हम डो की तरह। इसमें हम बिल्कुल भी एक्स्ट्रा वाटर यूज नहीं कर रहे हैं, आप देख सकते हैं जो लौकी में। अभी इसमें हमने नमक नहीं डाला है, क्योंकि नमक अगर हम शुरू में डालेंगे तो ये पूरा पानी छोड़ने लगता है। तो हम यहाँ पे जो बचा हुआ हमारा बेसन है हम वो डाल देते हैं। हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
ये देखिए अच्छे से ये जो डो है वो हमारा बन गया है। इसमें मैंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा वाटर नहीं डाला है। तो अब हम इसमें नमक डालते हैं। मैंने नमक नहीं डाला है इसमें अभी तक। तो हम यहाँ पे नमक डाल रहे हैं। मैं यहाँ पे हाफ टी स्पून नमक डाल रही हूँ। और इसे हम, आप चाहे तो इसमें थोड़ा सोडा क्वार्टर टी स्पून या फिर हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है क्योंकि उससे थोड़ा तेल ज़्यादा ऑब्जॉर्ब करता है। ये जो पकोड़े हैं तेल बहुत ज़्यादा सोख लेते हैं और पूरा ऑयली पकोड़े बनते हैं, इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो मैंने पकोड़े बनाने के लिए एक स्टील की कढ़ाई ली हुई है, उसमें मैंने तेल डाला है। तेल गर्म होने के बाद हम ये पकोड़े ऐसे ही गोल गोल साइज में करके डालते हैं। इसी तरह से हम जितने इस कढ़ाई में आए हम उतना डाल देते हैं। ये देखिए नीचे से पकौड़े होने लगे हैं, तब हम इसे एक साइड से टर्न कर लेते हैं। ये देखिए गोल्डन ब्राउन भी हो गए हैं। इसी तरह से हम सारे पकौड़े को टर्न कर लेते हैं। गैस को लो फ्लेम पे या फिर मीडियम फ्लेम पे करके इसे फ्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बाहर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे, इसीलिए मीडियम फ्लेम पे ताकि अंदर से भी अच्छे से पक जाए। ये देखिए सारे पकोड़े फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं एक प्लेट में। देखिए हम एक बार के पकोड़े निकाल लेते हैं। इसी तरह से हमारे जो दूसरे जो पकोड़े बनाने वाला आटा है हम उसे भी डाल देते हैं। ये देखिए हमारा सारा पकोड़ा बन के रेडी हो गया है। ये बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है, देखिए बहुत ही जल्दी प्रेस हो जा रहा है। तो मैंने फिर एक कढ़ाई ली हुई है, इसे मैंने हीट कर लिया है। इसमें हम सरसों का तेल डालते हैं। तेल गर्म होने पर हम यहाँ पर 2 से 3 बे लीव्स और थोड़ा जीरा डालते हैं और इसे हम अच्छे से भुनने देते हैं 1.5 से 1 मिनट तक। तो यहाँ पर मैंने जो चॉप किया हुआ जिंजर और गार्लिक रखा है, अदरक लहसुन, हम वो डाल देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज का पेस्ट यूज कर सकते हैं। मैंने पेस्ट नहीं बनाया है, मैंने चॉप किया है, क्योंकि ये दोनों का टेस्ट थोड़ा अलग होता है, डिफरेंट होता है। मैंने चॉप किया है, आप चाहे तो इसका पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। पेस्ट में थोड़ी जो ग्रेवी होती है कोफ्ते की वो थोड़ी थिक रहती है। देखिए अदरक लहसुन भी अच्छे से भुन गया है। हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, पकाना नहीं है, बस इसका जो रॉ फ्लेवर है उसे हमें निकाल लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे प्याज डालते हैं।
प्याज भी हम अच्छे से सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। ये देखिए प्याज भी अच्छे से भुन गया है, आप देख सकते हैं पूरा ट्रांसलूसेंट हो गया है। तो अब हम ये प्याज भुनने के बाद हमने जो दो टमाटर लिया है उसका मैंने पेस्ट बना लिया है, प्योरी कर लिया है टमाटर का। तो हम इसमें अब टमाटर हम डाल देते हैं प्याज भुनने के बाद। ये देखिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, तो हम डाल देते हैं। इसे भी हम चलाते हुए इसे हमें 2 से 3 मिनट तक पका लेना है अच्छे से, ताकि ये जो टमाटर अच्छे से पक जाए और इसका जो एक्सेस वाटर है वो भी ड्राई हो जाए। ये देखिए टमाटर भी हमारा पक गया है। तो अब हम इसमें मसाले डालते हैं। तो मैंने 2 से 3 पिंच हल्दी डाली है, मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून। इन मसालों को हम अच्छे से 1/2 से 1 मिनट तक पकने देते हैं। तो अब हम इसमें पानी, जो मैंने टमाटर प्योरी किया था मैंने वही वाला पानी इसमें डाला है 1/2 कप। इसे हमें अच्छे से कुक कर लेना है। मैं यहाँ पे छोटी गिलास में 1 गिलास पानी हम और डाल रहे हैं, क्योंकि जब हम कोफ्ते डालेंगे तो उसमें ये जो पानी है वो अब्ज़र्व हो जाएगा, तो ये जो ग्रेवी है पूरी ड्राई हो जाएगी, इसीलिए हम थोड़ा पानी यहाँ पे ज़्यादा डालते हैं। इसे हमें थोड़े देर तक 1 से 2 मिनट तक हम इसे बॉईल करना है। देखिए बॉईल करना स्टार्ट हो गया है, तो हम इसे 1 से 2 मिनट तक बॉईल होने देते हैं इसे। तो अब हम यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक डालते हैं। नमक हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि मैंने जो कोफ्ते बनाए हैं उसमें भी मैंने नमक डाला है। ये देखिए थोड़ा पानी भी सूख गया है और ये ग्रेवी अच्छे से पक गई है। तो अब हम इसमें जो कोफ्ते बनाए हैं हम वो डाल देते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हमें 2 से 3 मिनट तक कुक करते हैं। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो ये जो कोफ्ते हैं वो अंदर से फिर हार्ड होने लगते हैं, इसलिए हमें 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से कुक कर देना है मीडियम आंच पे।
हमें इसे ढकना नहीं है, क्योंकि नीचे से भी भाप और ऊपर से भी भाप लगने के बाद ये कोफ्ते टाइट हो जाते हैं, इसीलिए हम इसे ढक के नहीं पकाते। ऐसे ही खोल के हम ओपन करके कढ़ाई को हम इसे 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेते हैं, ताकि इसका जो मसालों का फ्लेवर है वो कोफ्ते के अंदर चला जाए अच्छे से। आप इसे बहुत ही इजीली घर में बना सकते हैं। अगर पानी कम लग रहा हो आपको तो आप थोड़ा पानी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन आप गर्म करके पानी डालें, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालें। ये देखिए कितने अच्छे से प्रेस हो रहा है। लास्ट में हम इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला, होममेड गरम मसाला हम इसमें डाल देते हैं, इससे इन मसालों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और उभर के इन सब्जियों में या फिर कोफ्तों में आ जाता है इन सारे खड़े मसालों का टेस्ट जो मैंने पीस के गरम मसाला बनाया है। लास्ट में हम इसमें थोड़ा धनिया के पत्ते डाल के इसे चला लेते हैं ऐसे ही। देखिए ये हमारा कोफ्ता बन के रेडी हो गया है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, और ठंडी होने पे इसकी जो ग्रेवी है और थोड़ी थिक हो जाएगी, इसलिए हमें इसे ज़्यादा और कुक नहीं करना क्योंकि फिर ड्राई हो जाएगा। तो अब हम इसे एक बोल में सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमारे कोफ्ते बन के रेडी हो गए हैं। आप इसे बनाइएगा, खाइएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा। आप इसे पराठे के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ या फिर चावल के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। ये देखिए हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। आई होप आज का ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। धन्यवाद।